तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं अंकल जी और आंटी जी लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हर चीज़ कोयला का आँच पे इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर आलू वगैरह साना हुआ है और ये देखिए यहाँ पर अभी समोसा का तैयारी चल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम है वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट समोसा शॉप में, जहाँ पर कि समोसा मात्र 2 रुपये में अभी भी मिलता है। जी हाँ, अभी हम लोग फिलहाल खड़े हैं बिराटी स्टेशन में। ये है देखिए बिराटी स्टेशन जो कि नॉर्थ 24 परगना में पड़ता है, और इसी बिराटी स्टेशन के 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म के बीचों बीच ये अंकल जी यहाँ पर बेचते हैं सिर्फ 2 रुपये में समोसा। तो अभी समोसा के लिए ये सब बनाया जा रहा है क्या? अभी ये समोसा के लिए बन रहा है क्या? हाँ। अच्छा, और इधर क्या समोसा का सब्जी बनाया हुआ है क्या ये? हाँ। अच्छा ठीक है, तो देख ही पा रहे हैं फ्रेंड्स ये बन रहा है समोसा के लिए, जो उसका अपर लेयर है, और इधर बना हुआ है इसका सब्जी। तो हर दिन कितना पीस बिकता है? 2-2.5 हज़ार पीस बिक जाता है। अच्छा, और 2 रुपया में आपके यहाँ पर क्या क्या मिलता है? तो 1.5 रुपया। अच्छा, 1.5 रुपया में। तो समोसा का प्राइस मात्र 1.5 रुपया है। अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी तक मैं गलत बोल रहा था, यहाँ पर 2 रुपया भी नहीं, सिर्फ 1.5 रुपया में समोसा मिलता है। तो 1.5 रुपया में और क्या क्या मिलता है अंकल जी? 7 में 10 रुपया। नहीं नहीं, और क्या क्या मिलता है? वेजिटेबल चॉप है और लुची है। वेजिटेबल चॉप और पूरी है। वो भी 1.5 रुपया? ना। अच्छा, वो कितना? वो 5 रुपया करके। चौप 5 टका, 4 पीस 10 टका लुची। चौप 5 रुपया और 4 पीस 10 टका लुची। चार पीस लुची है 10 टका। 10 रुपया। अच्छा ठीक है, तो फ्रेंड्स कभी भी अगर बिराटी स्टेशन आए तो अंकल जी का ये सब आइटम जरूर ट्राई कीजिए। स्पेशली इनका जो समोसा है मात्र 1.5 रुपये में, उसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अंकल जी आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम निरुपम कुंडू। निरुपम कुंडू। अच्छा, तो आपका यहाँ पर आप अकेले करते हैं या कोई हेल्प भी करता है? हेल्प हमारा चला है। अच्छा, आपका बेटा है? दुनिया है। अच्छा, तो वो लोग कहाँ है अभी? दुनिया। अच्छा, ये आंटी जी है ना, तो आंटी जी नमस्ते। अच्छा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अंकल जी का उम्र बहुत हो चुका है। अंकल जी उम्र कितना हुआ है? 1 सेकेंड। तो अंकल जी आपका उम्र कितना हुआ है? नहीं, आपका उम्र, बॉयस? बॉयस 67। अभी मतलब 67 साल हो चुका है, 67। और इस उम्र में भी आप और आंटी जी दोनों मिलकर इस तरह से स्टेशन पे मतलब दुकान चला रहे हैं ना, चलिए बहुत अच्छा है। और बेटा का दुकान कहाँ है? यहीं पर, इसी दुकान में बेटा भी आते हैं ना, तो वो कब से आते हैं? वो आया है। अच्छा, तो आपका दुकान ऐसे चालू कितना बजे से होता है? 5:30 बजे। 5:30 बजे से शाम का, और रात का कितना बजे तक खुला रहता है? 11:30। अच्छा, और टोटल कितना तरह का आइटम बेचते हैं आप यहाँ पे? चॉप, सिंगाड़ा, लुची। अच्छा, 3 आइटम। अच्छा चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स देख ही पा रहे हैं कि अंकल जी का इतना उम्र हो गया है, 67 साल का उम्र में भी इतना स्पीड में यहाँ पर पूरी बेल रहे हैं। हालांकि ये समोसा के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है, और उनका स्पीड देखिए, मतलब किसी मशीन से कम नहीं है। इतना उम्र में भी एकदम फास्ट, कितना फास्ट है, सटासट यहाँ पर मतलब बेले जा रहे हैं समोसा के लिए पूरी, और उसको कट किए जा रहे हैं। ये देखिए स्पीड, देखिए गजब का स्पीड है। तो लगभग हर दिन 2 से 2.5 हज़ार समोसा ये बनाते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं। Thank you.
तो यहाँ पर कितना किलो आलू है अंकल जी? 40 किलो। 40 किलो। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अंकल जी ने यहाँ पर समोसा का यहाँ पर फिलिंग भरना शुरू कर दिया। जस्ट स्पीड देखिए उनका, मतलब एकदम पूरा मशीन से भी ज्यादा स्पीड है। इस उम्र में भी इतना स्पीड में इतना कुछ काम कर रहे हैं, ये देखिए कितना फास्ट एकदम बना रहे हैं। ये देखिए समोसा, ये है 1.5 रुपए का समोसा। स्पीड थोड़ा देखिए जस्ट। तो अंकल जी पूरा ये समोसा आप ही बनाइएगा अकेले? अच्छा, आपका लड़का ही बनाएगा? साढ़े छः बजे के बाद से आप अकेले बनाइएगा? अच्छा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आंटी जी लगातार, अभी आंटी जी कर रही है यहाँ पर समोसा का जो पूरी है उसको बेल रही है। और यहाँ पर अंकल जी को देखिए, अंकल जी यहाँ पर समोसा का जो फीलिंग है उसको भर रहे हैं। और इनका स्पीड देखिए, इतना उम्र में, मतलब 67 साल का उम्र में भी इतना फास्टेस्ट समोसा बना रहे हैं। इसे कह सकते हैं इंडिया का सबसे फास्टेस्ट समोसा है। ये देखिए इतना सारा समोसा यहाँ पर बना दिए। तेल यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग गर्म हो चुका है और आंटी जी यहाँ पर इंतजार कर रही है तेल को गर्म करके अब इसमें समोसा डालने का। और अंकल जी यहाँ पर लगातार इस तरह से समोसा बनाए ही जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा वो 1.5 रुपए वाला सिंगाड़ा जो कि अब गर्मा गर्म तेल में चला गया। और इसको छनने के बाद हम लोग आप लोगों को टेस्ट करके बताएंगे कि आखिर इसका स्वाद कैसा है। और आप लोगों को भी ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अंकल जी के दुकान पर ज़रूर आइएगा और एक बार ये सिंगाड़ा ज़रूर टेस्ट कीजिएगा।